मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष, बैरिया बलिया, ग्राम सभा दुर्जनपुर हनुमानगंज। कल 15 तारीख को जब हमारे यहाँ कोटे की दुकान का आवंटन होना था, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय सुरेंद्र पाल जी और हमारे क्षेत्राधिकारी चंद्रकेशी, वीडियो गजेंद्र सिंह यादव और एसआई सदानंद यादव सारे लोग आए थे। इससे पहले मैंने कई बार एसडीएम महोदय को और अपने वीडियो को बार बार जा कर के मैंने पत्रक भी दिया है कि सर हमारे यहाँ माहौल गंदा है, जिससे कोटे की दुकान की बात है तो आप बताइए किस बेस पे करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि समूह को आगे किया जाएगा, इसके बाद जो भी जनता आएगी उसको पीछे रख दिया जाएगा, जिसका जनसमूह ज़्यादा होगा उसको कोटे की दुकान होगी। जबकि कोटे की दुकान एक इधर से धोबी का था, रेणु देवी का, जो कि माँ सहायक जगदम्बा के नाम से रजिस्टर था, और उधर से नारी शक्ति के नाम से था, जो कोई सीमा देवी है। ग्राम प्रधान की मिली भगत से पहले ही BDO, SDM और क्षेत्राधिकारी ने पैसे लेकर के सेटिंग कर रखा था। मुझे ये आशंका थी, फिर मैं बार बार जाकर बोल रहा था कि गाइडलाइन बताइए सर, गाइडलाइन बताइए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी मौके पे आए, जब मौके पे आए मुझे सूचना मिली, मैं गया। मेरे तरफ से कम 1500 लोग थे, जिसमें 1000 से ऊपर महिलाएं थी, 500 लोग पुरुष थे, उनके तरफ से 300 लोग थे। और पंचायत भवन के बगल में खेत जुतवा करके और ग्राम प्रधान, BDO और ये सब अधिकारी सारे वहाँ पे वो लगा दिए थे कैंप, जबकि वहीं पे पाल लोगों का, गोंड लोगों का, पासवान लोगों का घर है। फिर भी मैं स्टार्टिंग में आकर के जब पूरा समूह आ गया वहाँ पे, तो मैं सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया है। मैंने वो SDM महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय BDO बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं SDM साहब बोले कि नहीं, ये कोटे के दुकान ख़त्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर से संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा कीजिए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं कर पा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी, प्रशासन मौजूद है। जैसे SDM क्षेत्राधिकारी और BDO अपनी गाड़ी में बैठे, तब तक 80 साल के बुजुर्ग मेरे पिताजी हेडमास्टर टीचर से रिटायर है, उनको जाकर के सबसे पहले इसी पाल, यही जो अभी पता चल रहा है कि गोली लगी है, इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा SDM और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा था कि बवाल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बवाल होगा, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बवाल नहीं होगा। सर ये बताइए, ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? आप जब अधिकारी, शासन प्रशासन जब यही करेगा तो मैं क्या करूँगा? सर आप जनसमूह देख लिए, फिर भी गाड़ी में बैठ लिए, सर रुकवाइए रुकवाइए। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार घंटा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही है, किसको नहीं, मैं भी दौड़ के गया उसमें, देखा तो आप BDO से भी देख सकते हैं, उसमें BDO है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। मैं तो एक पूर्व सैनिक का गर्व अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक राजपूत का सम्मानित माता पिता का बालक हूँ, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में 18 साल सेना में सेवा करके आया हूँ। इसलिए मैं जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं क्षेत्राधिकारी से हाथ छुड़ा करके और भाग निकला, क्योंकि इन लोगों का मनसा था कि मुझे मतलब पीट करके यहीं पे मार दिया जाए। उस समय मेरी कम से कम परिवार के, सभी परिवार के 3-4 भाभी और 3-4 भाई और मेरे रिश्तेदार जो पहले से यहाँ रहते थे, एक हमारे बड़े भाई का साढ़ू का लड़का और उनका साला, उनको भी मार करके ग्रसित कर दिया गया है। अब ये मुझे समझ में आता, वो BHU रेफर हुआ था जो कि अभी मृत घोषित हो गया, मुझे कहीं से मालूम चला है। और शासन प्रशासन के लोग, खुद SDM साहब और क्षेत्राधिकारी महोदय मेरे घर पे आते हैं और तुरंत लाठी चार्ज करवा के औरतों पे लाठी बरसाते हैं, बच्चों पे लाठी बरसाते हैं। जो भी गाड़ियाँ थी, JCB थी, बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, मेरे स्कूटर का कार थी, बुलेट थी और बाइक थी, वो सब तोड़ फोड़ दिए, उठा के भी लेके चले गए। TV, फ्रिज, कूलर, जो भी था, अलमारी वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। ये बताइए शासन प्रशासन का क्या मंशा है? मैं तो ये नहीं समझ रहा हूँ, केवल पैसे पे काम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
मैंने तो देखा नहीं, लेकिन पैसे बिल्कुल पैसा लिया है। और चूंकि एसडीएम हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, इसलिए जो मृतक बता रहे हैं कि मृतक उधर से हुआ है वो भी पाल है, इसलिए इन्होंने भाईबंदी करके और प्रधान से मिली भगत, जो कि प्रधान उसमें कृष्ण कुमार यादव, उनका भाई विजय यादव, अभी 94 दिन वो जेल रह के आया है, 3-3 उसमें है। और जो भी मरा है वो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अभी हाईकोर्ट बेल पे हैं, वो लोग गैंगस्टर वाले हैं, ट्रेन डकैती वाले हैं, सजा याफ्ता हैं। और लोग कह रहे हैं कि गरीब आदमी, सपा के पूर्व विधायक अभी आकर के कह रहे थे जयप्रकाश अंचल की गरीब आदमी है। सजा याफ्ता को अगर गरीब आदमी कहा जाता है, मर्डरी को अगर गरीब आदमी कहा जाता है, तो ये तो समझ जाइए पत्रकार महोदय की सीधा सीधा राजनीति है। मैं तो कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूँ कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा, तो मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा झंझट करने के मूड में नहीं थे। हम ये जानते थे कि जन सैलाब हमारे साथ है, 1500 लोग हैं, तो एसडीएम साहब और बीडीओ साहब, इसमें सीधा सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। क्योंकि पकड़ करके मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, सर हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि सर देखिए मर जाएंगे, हमारे तरफ के लोग मर जाएंगे, सर आप कम से कम पुलिस से अपना वो रुकवाइए, भगदड़ रुकवाइए। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और ये खड़ा तमाशा देख रहे हैं प्रशासन के लोग, शासन के एसडीएम महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और वीडियो सदानंद यादव, इसमें सरेआम जिम्मेदार है। सर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जितना वीडियो चलाइए, अभी बताइए मेरे तरफ से पूरा परिवार उठा करके थाना में बंद कर दिया, मेरी वाइफ को बंद कर दिया गया है कल से, मेरी बहन को बंद कर दिया गया है थाने में, और बच्चों को मार दिया गया है, पूरा सामान तहस नहस कर दिया है। क्या ये मतलब शासन प्रशासन की अनदेखी नहीं कही जाएगी? मेरे परिवार के तरफ से मेरा एक रिश्तेदार मर गया, एक अभी दूसरा मेरा भाई, सगा भाई अभी बिल्कुल मरने के कगार पे, जिसका ब्लड बंद नहीं हो रहा है, सरबरसा सीएचसी से लेके पहले बलिया हॉस्पिटल में भेजा गया, बलिया हॉस्पिटल से बीएचयू को रेफर किया गया, अभी एक आदमी की डेथ बताया गया, और उसके बाद भी रेवती पुलिस और बलिया प्रशासन अभी तक मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है कि हम नहीं करेंगे। एक तरफा हमारे घर को टॉर्चर किया जा रहा है, 8-8 आदमी आरोपी है, जबकि उधर से कम से कम वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो सही हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सैनिक हूँ और मुझे ये गर्व है कि मैं सैनिक हूँ, और ये मैं भारत माता की जय हमेशा बोलता आया हूँ, सीमा से समाज की ओर मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ और अपने उस पर अड़ी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी न्याय हो, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूँगा कि इसकी सही जांच करवा करके, और जो भी न्याय हो वो दोषी को दंड दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं दंड दिया जाए, लेकिन किसके गोली से गामा पाल मरा है ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। हाँ ये है कि कुर्सी वर्सी थी वहाँ पे, उसे वो जब लाठी डंडा मार रहे थे, ईटा पत्थर मार रहे थे, उन्होंने उनका घर है वहाँ पे, वो सब इकट्ठा करके रखे थे। और मैं बार बार एसडीएम साहब को, बार बार क्षेत्राधिकारी महोदय को, सबको कह रहा था, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद भी पूरा प्रशासन उधर से होकर के और पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, और आज भी अभी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ कि मेरी मदद करें, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगा कि भगवान को साक्षी बन करके इस दोषियों को, जो भी इसमें दंडित दोषी दंडित पाए जाएं, उनको दंडित करना चाहिए। और दोनों तरफ से लोग मरे हैं, मैं सुनने में आ रहा है कि उधर से गामा पाल मर गए, हमारे इधर से रिश्तेदार मर गए, हमारे भाई का अभी तक ब्लड बंद नहीं हो रहा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो भी है भगवान से करना चाहिए, कम से कम सजा याफ्ता को लोग गरीब ना कहें, और ये पहले से एकदम सुनियोजित ढंग से ये सब पहले से प्लान बनाया गया था, इसी वजह से लोग वहीं पे मीटिंग का प्रोग्राम किए थे। जब जनसमूह हमारा देखे, ये घबरा करके और मारपीट करने को उतारू हो गए। हमारी जनता मारपीट करने के लिए कभी भी राजी नहीं थी, इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इसको न्याय दिया जाए, हमको न्याय दिया जाए। हमारा परिवार बेघर है, हमारे घर पे कोई नहीं है, पुलिस के डर से जब पुलिस जा रही है तो मारपीट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, सामान तोड़ फोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारी मदद किया जाए। मैं सरकार से भी और शासन प्रशासन के लोग से भी यही अपील करूंगा।